बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज। योगी कैबिनेट में फेरबदल संभव, राज्यपाल आनंदी बैन से राधामोहन सिंह ने की मुलाकात, राज्यपाल को सौंपा बंद लिफाफा। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने की पीएम मोदी की तारीफ, कहा जिम्मेदार नेता है भारतीय प्रधानमंत्री। भारत चीन मुद्दों को सुलझाने में सक्षम, पुतिन ने कहा पड़ोसी देशों को भी नहीं करना चाहिए हस्तक्षेप। भारत चीन की बातचीत को एक साल पूरा नहीं सुलझा सीमा विवाद, लद्दाख में फिर भारत और चीन के बीच कुछ सैनिकों की वापसी के बावजूद सीमा पर तनाव बना हुआ, आला सैन्य कमांडरों के बीच कई दौर की बातचीत लेकिन पूरी तरीके से समाधान नहीं। देश का कानून मानने को लेकर ट्विटर के बार बार इनकार के बाद ट्विटर को सरकार की ओर से आखिरी नोटिस, सरकार ने साफ कहा अगर ट्विटर ने भारत को कानून नहीं माना तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के तौर पर उसको मिली प्रतिरोधक छूट हो जाएगी समाप्त। भारत का सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म को अब नाइजीरिया में भी है उपलब्ध, ट्विटर की जगह लेने को तैयार, भारत में भी तेजी से हो रहा पॉपुलर। देश में दो महीने बाद कोरोना संक्रमण सबसे कम, 1,14,460 नए केस, 24 घंटे में 2,677 मौतें। जाने माने कव्वाल उस्ताद सईदी साबरी का निधन, जयपुर के घाटगेट स्थित पर ली अंतिम सांस, संगीत प्रेमियों ने जताया दुख। कोरोना संक्रमण का घटा दायरा, यूपी में 71 जिलों में लॉकडाउन खत्म, मेरठ लखनऊ में रहेगा कोरोना कर्फ्यू, सहारनपुर और गोरखपुर को फिलहाल नहीं राहत। हरियाणा सरकार ने कहा इंटरनेशनल फार्मा कंपनी स्पुतनिक वी की 6 करोड़ डोज सप्लाई करने की तैयार, प्रति खुराक की लागत लगभग 1120 रुपए होगी, कोरोना संकट के लिए वैक्सीनेशन सबसे बड़ा हथियार। झारखंड में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता, पुलिस ने 6 किलोग्राम यूरेनियम के साथ लोगों को किया गिरफ्तार, सूत्रों के अनुसार यूरेनियम के पैकेटों पर अमेरिका में निर्मित होने की पुष्टि। बिहार के चांदपुर गांव में आज तक नहीं मिला कोई कोरोना का केस, गांव वालों की सूझबूझ और सावधानी से ऐसा संभव, कोरोना से बचाव के लिए ग्रामीणों ने पूरे गांव को ही किया आइसोलेट। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा गठबंधन में या अकेले पुणे नगर निगम चुनाव लड़ने के लिए तैयार, शिवसेना 162 सीटों में कम से कम 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। शुरू होगा इनकम टैक्स का नया पोर्टल, 18 जून को लॉन्च होगा नया टैक्स पेमेंट सिस्टम, इसमें नेट बैंकिंग, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड और आरटीजीएस, नेफ्ट जैसे पेमेंट के विकल्प मौजूद। अरविंद केजरीवाल के आरोप पर बीजेपी ने किया पलटवार, दिल्ली को बरगला रहे हैं केजरीवाल, होम स्टेप डिलीवरी राशन योजना नहीं रोक रही केंद्र सरकार। घर घर राशन योजना पर सीएम केजरीवाल का पीएम मोदी से सवाल, पिज्जा बर्गर की होम डिलीवरी तो घर घर राशन क्यों नहीं। कोलकाता में बीजेपी दफ्तर के पास मिले 51 देसी बम, हाल ही में बीजेपी ने हेस्टिंग इलाके में शिफ्ट किया है दफ्तर, जांच में जुटी कोलकाता पुलिस। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी और उनके भाई सोमेंदु अधिकारी के खिलाफ केस दर्ज, टीएमसी ने लगाया चोरी का आरोप, नेताओं पर नगरपालिका से राहत सामग्री चोरी करने का आरोप। जयपुर ग्रेटर नगर निगम में तख्तापलट की तैयारी, आधी रात को मेयर समेत 4 पार्षदों की सदस्यता सस्पेंड, मेयर सौम्या का आरोप सरकार काम करने नहीं देना चाहती, बिना सबूत किया निलंबित, मैं कोर्ट जाऊंगी। बिहार गया में 3 साल की बच्ची की गला दबाकर हत्या, दुष्कर्म की आशंका पर युवक को पीटकर किया अधमरा, आरोपित युवक के बताने पर झाड़ियों से बरामद किया गया था शव, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मुरादाबाद में सोशल मीडिया पर टिप्पणी को लेकर भिड़े 2 गुट, सरेआम ताबड़तोड़ फायरिंग और बमबाजी, 3 घायल, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। राजस्थान में अनलॉक को लेकर मंत्रिपरिषद की बैठक में देर रात हुई चर्चा, सुबह 6 से 5 बजे तक खुल सकती हैं सभी दुकानें, आज जारी होगी विस्तृत गाइडलाइन। दिल्ली में नर्सों के मलयालम बोलने पर बैन का मामला, राहुल गांधी सहित दिग्गज कांग्रेसी भड़के, अस्पताल ने भाषा को लेकर दिया आदेश, लिया वापस। सादुल शहर में 50 वर्षीय व्यक्ति की हत्या, 6 लोगों ने पीट पीट कर उतारा मौत के घाट, परिजनों ने की आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। जैसलमेर के खोड़ी में रफ्तार का कहर, ट्रैक्टर और बाइक में भिड़ंत, एक बाइक सवार की मौके पर मौत, तो दूसरे ने इलाज के दौरान तोड़ा दम।
एक्टर पल्लवी पुरी 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में, 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म का आरोप, पुरी की जमानत की अर्जी दायर करने की संभावना। जालौर के भीनमाल में मौसम ने अचानक अपना मिजाज बदला, तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर शुरू जिससे लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। अजमेर के ब्यावर में वसुंधरा राजे की टीम की ओर से कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया। इस अवसर पर आरपीएफ थाना प्रभारी सावित्री सैनी ने कांस्टेबल मीरा को कोरोना योद्धा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। सीकर में सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने अपने निवास स्थान पर यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि इस यज्ञ का मुख्य उद्देश्य वातावरण में शुद्धिकरण करना। नागौर के खिवसर के ताड़ावास में एसडीएम मीणा ने कार्रवाई करते हुए लाइमस्टोन से भरे 2 डंपरों को सीज किया, वहीं 2 डंपर खाली अवस्था में मिले। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर विधायक गुरमीत कुनर के जन्म दिवस पर जिले भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए, वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी विधायक गुरमीत कुनर को फोन कर जन्मदिन की दी बधाई। अजमेर के मसूदा विधायक राकेश पारिख ने अपने निवास स्थान पर 62वां जन्मदिन कार्यकर्ताओं के साथ मनाया। विधायक राकेश पारिख ने मंदिर में पूजा अर्चना कर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ केक काटा। विधायक राकेश पारिख को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जन्मदिन की दी बधाई। ब्यावर के छावनी क्षेत्र में स्थित पिपलेश्वर महादेव मंदिर पर वार्ड पार्षद सुनीता भाटी की पहल पर शिव वाटिका का निर्माण किया गया। विधायक शंकर सिंह रावत और नगर परिषद सभापति नरेश कानोजिया का लोकार्पण कार्यक्रम में अतिथियों के रूप में शिरकत की गई। सिरोही विधायक संयम लोढ़ा ने जिला अस्पताल से जनाना अस्पताल परिसर में बने ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। उदयपुर के सूरजपाल थाना क्षेत्र के खटीकवाड़ा में आदतन अपराधी ने एक युवक को चाकू मारकर घायल कर दिया। घायल युवक को महाराणा भोपाल चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जोधपुर के गुरु का तालाब में डूबने से एक युवक की मौत। युवक मछलियों को दाना डालने गया था, अचानक पैर फिसलने के चलते पानी में गिर गया। पाली के नाना थाना क्षेत्र के मोरीबेड़ा रेलवे स्टेशन के पास यात्री ट्रेन से गिरने से बीएसएफ का जवान घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को हॉस्पिटल में भर्ती कराया। सिगराई क्षेत्र में समाज सेविका और कार्यकर्ताओं ने गांव में जाकर वितरण किया। इस दौरान स्कूल में मास्क बांटे गए। बांसवाड़ा शहर के जोन 3 में भी सीवरेज का कार्य प्रारंभ हो गया। यहां पर कुल 6 किलोमीटर लंबाई से सीवरेज लाइन डाली जाएगी, जिसका विधिवत पूजन के साथ शुभारंभ कर दिया गया। झालावाड़ में शहीद निर्भय सिंह स्मारक समिति ने शहीद निर्भय सिंह की 37वीं पुण्यतिथि मनाई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भारतीय सेना के पूर्व ब्रिगेडियर जनरल जय सिंह ने शहीद की मूर्ति पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अलवर सदर थाना पुलिस ने बुर्जा के पास गोवंश से भरे हुए ट्रक को पकड़ा, जिसमें 28 गोवंश को बरामद कर गौशाला पहुंचाया। ट्रक चालक मौके से फरार। रायपुर थाना क्षेत्र के कचराखेड़ी गांव में नीचे से गुजर रही 11 केवी लाइन का तार ट्रोले से टकरा गया, जिससे करंट फैलने से ट्रोला चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि खलासी गंभीर रूप से झुलस गया। बांसवाड़ा शहर के हाउसिंग बोर्ड एरिया में वार्ड नंबर 5 में 2 दिन से गंदे पानी की आपूर्ति हो रही है, जिससे स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग इसकी शिकायत जलदाय विभाग से कर रहे हैं। बस्सी थाना क्षेत्र के बिनाड़ा मोड़ के पास एक युवती ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस आत्महत्या का कारण तलाशने में जुटी। जसवंतपुरा उपखंड मुख्यालय में तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश हुई, जिसमें 2 दिनों से पड़ रही तेज गर्मी का पारा गिरा। जमीन विवाद को लेकर 8 महीने पहले ग्राम गिरसे में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के मामले में पुलिस ने मृतक के भतीजे राजकुमार को गिरफ्तार किया। जसवंतपुरा में खोड़ेश्वर रिजर्व अभ्यारण वन विभाग ने मंदिर में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 11 पौधे लगाए। अजमेर के क्लॉक टावर थाने में एक युवक के फेसबुक पर युवती से दोस्ती करने के बाद ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया। पीड़ित युवक प्रफुल्ल ने मामले की शिकायत पुलिस से की है। दौसा में फाइनेंस कंपनी को चूना लगाने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर फाइनेंस कंपनी से कर्ज लिया था। मसूदा के शिवपुरा घटा में एक पाउडर से भरा ट्रक पलट गया, जिससे पास ही गुजर जाए एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
अलवर जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के बाड़का गांव में विवाहिता की मौत हो गई। विवाहिता को जहरीला पदार्थ खाने के बाद निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पोखरण फलसुंड बालोतरा की लाइफलाइन लिफ्ट परियोजना की मुख्य पैजल लाइन स्वामी जी की ढाणी के निकट पर फूट गई, जिससे हजारों गैलन पानी व्यर्थ हो गया। आपको बता दें कि फलसुंड समेत बालोतरा शहर और अन्य जगहों पर पैदल सप्लाई ठप है। ब्यावर के राजकीय अमृत कौर अस्पताल की एमसीएच विंग में विद्युत केबल कार्य के चलते कई वार्डों में बिजली सप्लाई बाधित है, जिसके कारण एसटीएस के विभिन्न वार्ड में भर्ती रोगी है। सिरोही जिले के मंडार के पास क्षेत्र में मौसम ने अचानक करवट ली। क्षेत्र में ठंडी हवाओं के साथ तेज बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत। डूंगरपुर शहर से सटे वार्ड सेंचुरी पार्क के पास नारायण आहारी की बेटी की शादी का कार्यक्रम आयोजित हो रहा था। शादी में करीब 150 से ज्यादा मेहमान शामिल। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर 1,00,000 का काटा चालान। मसूदा के मगरा क्षेत्र में पैंथर का खौफ खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। दौलतपुरा द्वितीय में पैंथर ने 3 मवेशियों को अपना शिकार बनाया। मगर क्षेत्र में पहले भी कई बार पैंथर कई मवेशियों को शिकार बना चुका। प्रतापगढ़ में बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण से 7 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमित होने वालों का आंकड़ा 7,166 तक जा पहुंचा। हालांकि 29 संक्रमित उपचार के बाद ठीक हुए, जिससे रिकवर होने वालों का आंकड़ा भी बढ़कर 6,982 तक पहुंच गया। चोरू पुलिस ने रामसरा बाईपास पर कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से करीब 8,00,000 का अफीम और डोडापुर जब्त किया। मौके से एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। बाड़मेर में ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना काल सेवा में जुटे कोरोना वॉरियर्स की सुरक्षा को लेकर कोरोना किट वितरित किए गए और लोगों को महामारी के प्रति जागरूक करने की अपील की गई। रेणी क्षेत्र में कर्णापुरा में भजेड़ा तक बनाई जा रही सड़क पर निर्माण कार्य के दौरान हाई वोल्टेज लाइन के भिड़ जाने से डंपर में आग लग गई। मौजूद लोगों ने जेसीबी में मिट्टी डालकर आग पर काबू पाया। सीकर जिले के लौसैल में एक नाबालिग किशोर के साथ दुष्कर्म का घिनौनी घटनाक्रम सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर दुकानदार मोहम्मद रफीक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सीकर जिले के रामगढ़ शिखावटी उपखंड में एक खेत में आवारा कुत्ते एक हिरण का शिकार कर रहे थे। इसी दौरान राहुल सैनी ने साथियों ने हिरण को कुत्ते की चुंगल से छुड़ाकर फतेहपुर वन विभाग की टीम को सौंपा। ब्यावर के भ्रमानंद मार्ग स्थित एक निर्माणाधीन मकान में 2 श्रमिक करण की चपेट में आ गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर भोपाल सागर क्षेत्र के दौरे पर रहे। जिले में वैक्सीनेशन बढ़ाने के लिए अब जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने वैक्सीनेशन सेंटरों का दौरा किया और लाभार्थियों से सीधा संवाद करते हुए उन्हें प्रोत्साहित भी किया। सूरतगढ़ थर्मल क्षेत्र की ग्राम पंचायत ठिटार में एक होटल में अचानक आग लग गई। इस दौरान होटल में खड़ी 2 बाइक आग की भेंट चढ़ गई, वहीं होटल का अन्य सामान जलकर राख हो गया। जयपुर के किशनगढ़ रेनवाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में पूर्व सांसद स्वर्गीय डॉक्टर हरि सिंह की स्मृति में वातानुकूलित वार्ड तैयार करने की घोषणा की गई। फुलेरा कांग्रेस नेता विद्याधर सिंह ने स्वीकृति दी है। रेणी थाना क्षेत्र के गांव भुड़ा में विवाहिता की मौत हो गई। मृतका के पीहर पक्ष ने 3 महिला सहित 7 जनों के विरुद्ध दहेज प्रताड़ना और हत्या का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। प्रतापगढ़ जिले के ग्रामीण इलाके का अंधविश्वास के चलते लोगों में भ्रांतियां फैली हुई हैं, जिससे टीकाकरण के लक्ष्य में बाधा उत्पन्न हो रही है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन भी अपने स्तर पर लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है। बीकानेर के नापासर में महेश्वरी भवन में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। शिविर का आयोजन नापासर संघर्ष समिति और ग्रामीणों ने कराया। शिविर में नापासर सरपंच सरला देवी, उप सरपंच मंजू देवी, सुधार हॉस्पिटल प्रभारी डॉक्टर गौरव सैनी, डॉक्टर कालू राम मेघवाल ने रक्तदान किया। 105 युवाओं ने यहाँ पर रक्तदान किया। बांसवाड़ा के कुंडल गांव में 13 माह की बच्ची को एक ऑटो ने अपनी चपेट में ले लिया, इससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। दौसा में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी ने अद्भुत प्रदर्शन किया, जिसमें वो अकेले हाथ में बैनर लिए सड़कों पर घूमे और कोविड के चलते बिजली बिल माफ करने की मांग उठाई। सवाईमाधोपुर के बौली में कोरोना संक्रमण की रुकी हुई रफ्तार को बरकरार रखने के लिए प्रशासन सख्त है। तहसीलदार ने वीकेंड कर्फ्यू के दौरान बिना अनुमति के दुकानें खुली मिलने पर दुकानें सीज की, साथ ही चालान काटकर गाइडलाइन की पालना करने की अपील की।
श्रीगंगानगर में नगर परिषद सभापति ने कोविड वैक्सीनेशन कैंप का उद्घाटन किया। इस मौके पर कांग्रेस नेता ने कहा कि केंद्र सरकार की टीके की नीति सही नहीं, केंद्र सरकार को सभी जगह फ्री वैक्सीन के साथ 18 प्लस के युवाओं को सबसे पहले टीका लगाया जाना चाहिए। सिरोही के अबरोड राजकीय चिकित्सालय में कार्मिकों की ओर से रेलवे स्टेशन पर वेंडर्स के कोरोना के सैंपल लिए गए। डूंगरपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में नदी में नहाने गई एक 16 वर्षीय किशोरी की डूबने से मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के सेरावाड़ा गांव में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। नेशनल हाईवे पर पार करते समय अज्ञात वाहन ने उससे टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। और इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक, आप कहीं मजाइएगा, बने रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ।